हाय एवरीवन, आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। तो यार आज की वीडियो में हम लोग पांच बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम लोग सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का यूज करके बना सकते हैं। फिर कई बार प्लेसमेंट सीजन बहुत ही रफ्तार से आ रहा होता है और हम लोग के पास कोई डेवलपमेंट स्किल्स नहीं होती हैं जिससे हम लोग प्रोजेक्ट्स बना सकें। यू कैन ऑलवेज गो फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। इससे दो बेनिफिट हैं। पहला, आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का रियल वर्ल्ड यूज़ पता चलेगा, इसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, आप लोग के जब इंटरव्यूज होंगे उसमें जब प्रोजेक्ट का डिस्कशन होगा, क्वेश्चंस विल बी अराउंड दैट डेटा स्ट्रक्चर और दैट एल्गोरिथम जो कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। अब इससे एक और पॉइंट आ जाता है, आप लोग जब भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, मेक श्योर कि वो एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को 100% आता हो। उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इन बेस्ट केस, इन एवरेज केस, इन वर्स्ट केस, तीनों ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो विद दैट लेट अस स्टार्ट विद आवर लिस्ट। बहुत ही अच्छी सी लिस्ट है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट्स और इंटरेस्टिंग होते चले जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आई डोंट यूजुअली आस्क फॉर इट बट इस वीडियो में डेफिनेटली गिव इट अ लाइक। ठीक है, तो अगर आप लोग को याद हो तो सैन एंड्रियास और वाइस सिटी नाम के गेम थे जिनको हम लोग कंप्रेस करते थे, उसके बाद हम लोग उनको डीवीडीज में राइट करते थे। ठीक है, पेन ड्राइव वगैरह नहीं थी, मेरे ज़माने की बात है, हो सकता है मैं बहुत पुराने ज़माने का हूँ, लेकिन इसी तरीके के सॉफ्टवेयर आप लोग भी बना सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट। बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। एक हफमैन कोडिंग नाम का एल्गोरिथम होता है जो कि सुनने में थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है बिकॉज ये एक बंदे का नाम है, लेकिन ये एल्गोरिथम जो होते हैं ना बहुत ही सिंपल ग्रीडी एल्गोरिथम है। एक बार अगर आप लोग इसको जाके पढ़ेंगे किसी YouTube चैनल से या किसी ब्लॉग से, आप लोगों को टोटली समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। और इस एल्गोरिथम का यूज़ करके यू कैन क्रिएट योर ओन फाइल जिपर सॉफ्टवेयर। तो यार जितने भी प्रोजेक्ट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग अपना मॉडिफिकेशन उसमें ज़रूर कर लेना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कैसे आप लोग को प्रोजेक्ट बनाना है, पर डेफिनेटली अपना मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर लेना, छापना नहीं प्रोजेक्ट एज इट इज़। यार सेकंड नंबर पे है हमारा सुडोकू सॉल्वर। अब सुडोकू नाम का एक गेम होता है, सुडोकू सुडोकू जो भी आप लोग बुलाते हैं इसको। एक बोर्ड होता है जहाँ पर आप लोग को फिल करनी होती हैं इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज फिल करनी होती हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, पजल सॉर्ट ऑफ गेम है। नहीं पता तो जाकर के इसके बारे में पढ़ लो। और इसको सॉल्व करने का एल्गोरिथम जो है दैट इज बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग से आप लोग सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिन लोगों ने पढ़ लिया था मेरे से उन लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मेरा दूसरा चैनल है लीड कोडिंग बाई फराज करके, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट देख लो रिकर्शन की, 100% ये क्या बाकी सारे भी रिकर्शन वाले जो एल्गोरिथम्स हैं सारे समझ में आ जाएंगे ए टू जेड। ठीक है, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, चेकआउट कर लेना, बहुत जल्दी ही नई प्लेलिस्ट आने वाली है जिसका प्री रिक्विजिट रिकर्शन है। तो रिकर्शन नहीं किया है डेफिनेटली वहाँ से जाके कर लो। ठीक है, तो सुडोकू सॉल्वर आप लोग बना सकते हैं। अगेन सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं जहाँ से जाके आप लोग रेफर कर सकते हैं, बट अगेन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपनी इनोवेशन इसमें डाल देना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज सॉर्टिंग विजुअलाइजर। अब यार ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा घिसा पिटा है बिकॉज बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज सॉर्टिंग इज समथिंग जो कि सभी लोग सीख रहे होते हैं। तो सॉर्टिंग विजुलाइजर एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है सो थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको सॉर्टिंग विजुलाइजर बनाना है डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बहुत लोगों की प्लेसमेंट लगवाई है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने, सो यस डेफिनेटली चेक इट आउट। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग को सच में डेवलपमेंट सीखनी है बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक, देन यू कैन चेक आउट cryo.do। अब cryo.do एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग को प्रोजेक्ट्स पे काम कराते कराते डेवलपमेंट सिखाई जाती है। तो यार यहाँ पर लाइव वेबिनार्स होते हैं और आपको एक मेंटोर भी एलोकेट कर दिया जाता है, और आप लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं, उसके साथ साथ आप लोग स्किल्स सीखते रहते हैं। जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो आपके पास रिज्यूमे में मैंशन करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं और स्किल्स भी डेवलप हो चुकी होती हैं। अब आप लोग एक काम करो, आप लोग फ्री क्लास बुक करके देख लो, एक बार एक फ्री ट्रायल बुक करके देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आप लोगों को पसंद आता है यू कैन एक्सप्लोर आउट द प्रोग्राम्स अवेलेबल हियर। ठीक है, तीन प्रोग्राम है मेनली यहाँ पर, एक आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक आपका बैकएंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक आपका फेलोशिप प्रोग्राम। तो फेलोशिप प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम है बिकॉज ये आपका प्लेसमेंट गारंटी वाला प्रोग्राम है, 9 महीने का होता है। आप लोगों को कोडिंग फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, प्रोजेक्ट्स, देन रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यूज भी शेड्यूल कराए जाते हैं, बहुत कुछ होता है, प्लेसमेंट की गारंटी ली जाती है। तो बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम यू विल बी प्लेस्ड। ठीक है, तो
URL. अब टाइनी URL अगेन एक बहुत ही frequently used project है, जो कि मैंने खुद ने बनाया था अपने resume में भी mention किया था when I was going for internship. ठीक है, टाइनी URL मैंने बनाया था using Django framework और वो उसमें थोड़ी सी development involved थी, but you can make tiny URL without using much development. सिर्फ आप लोग को maps का use करना है यहाँ पर, ठीक है, maps and a certain collision logic. तो इट इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड डेफिनेटली आप लोग इसको भी बना सकते हैं और इसमें आप लोग को एक्चुअल मैप की इंप्लीमेंटेशन पता चलती है, कॉलिजन्स को कैसे हैंडल करना है वो पता चलता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के बना सकते हैं. नाउ द फिफ्थ प्रोजेक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि रिसेंटली मैंने मेट्रो में चलते चलते सोचा था. सो मेट्रो की एप्स होती हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग इन मेट्रोस, आप लोग के पास ऐप होती है, वो आप उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन डाल देते हैं, आपको पता चल जाता है कि लेट अस से आप दिलशाद गार्डन से चढ़िए, दिलशाद गार्डन पे चढ़ के कश्मीरी गेट पर उतर के आप लोगों को येलो लाइन पे जाना है. तो ये सब आपको पता चल जाता है कि आप लोगों को कहाँ उतरना है, कहाँ मेट्रो चेंज करनी है और देन कौन सी मेट्रो लेनी है, राइट. सिमिलरली हमारे गूगल मैप्स, गूगल मैप्स में भी आप लोगों को पूरा रोड पता चल जाता है कि आप लोगों को ऐसे जाना है, पूरा आपको डायरेक्शन पता चल जाता है, कहाँ पर आप लोगों को कितना टाइम लगेगा, कहाँ पर ट्रैफिक है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्रिएट गूगल मैप्स बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कुछ होता है उसमें, बट मेट्रो वाली जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है. जितने भी स्टेशन हैं उनको हम लोग कंसिडर करेंगे ग्राफ के नोड्स, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कंसिडर करेंगे एज, या फिर उनके बीच का जो किराया है, जो फेयर है, उसको कंसिडर करेंगे एज. ठीक है, उनको एज कंसिडर कर लिया, पूरा एक ग्राफ बन गया आपका. डायजेत्रास एल्गोरिथम लगा दो इस पर, डायजेत्रास एल्गोरिथम लगाने के बाद आप लोगों को शॉर्टेस्ट टाइम पाथ मिल जाएगा और शॉर्टेस्ट कॉस्ट पाथ भी मिल जाएगा. ठीक है, ये दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक के. ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैंने ये सोचा था बट आई फाउंड द गिटहब रेपो फॉर द सेम बिकॉज लोगों ने ऑलरेडी ऑब्वियसली बनाया हुआ है. सो अगेन आप लोग को जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसमें खुद से चेंजेस कर लेना. तो यार दीज वी फाइव इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो कि आप लोग सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का यूज करके बना सकते हैं. सभी के कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल भी हैं और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया. ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.